नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विकास महलो और इस समय मौजूद है करनाल के सेक्टर 13 में, जहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिस की चेकिंग अभियान जरूर चल रहा है, क्योंकि होली को लेकर उड़दंगबाजी जरूर होती है और उसी को लेकर ब्लैक फिल्म हो या कोई किसी प्रकार से गाड़ी में कर्टन लगाए गए उनको लेकर चेकिंग अभियान यहाँ पर चलाया गया। और खुद सेक्टर चौकी इंचार्ज जो मैडम है वो मौके पर मौजूद है, खुद वो फिल्में उतारते हुए नजर आ रही है। गाड़ियों पर जो फिल्में की गई हैं उन फिल्मों को उतारा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं करनाल पुलिस पहले ही होली को लेकर उड़दंगबाजी ना उसको लेकर सख्त होती हुई नज़र जरूर आ रही है। अक्सर देखा जाता है कि सेक्टर 13 में उड़दंगबाजी काफ़ी होती है। आप देख सकते हैं कि गाड़ियों से ब्लैक फिल्म है जो वो उतारी जा रही है। खुद सेक्टर 13 जो चौकी इंचार्ज है मैडम वो यहाँ पर जो गाड़ियों से फिल्में उतारते हुए नज़र आ रही है, गाड़ियों को रोका जा रहा है, उन पर चेकिंग की जा रही है कि किसी गाड़ी पर कोई फिल्म तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई हथियार तो गाड़ी के अंदर नहीं है, क्योंकि जो उड़दंगबाजी के कई मामले जो खुद करनाल के सेक्टर 13 के निवासियों की तरफ से जो करनाल के एसपी को जानकारी दी गई थी, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, अच्छे से गाड़ियों को चेक किया जा रहा है ताकि कोई किसी प्रकार का अवैध सामान ना हो। खुद मैम हमारे साथ मौजूद है, क्या कहीं मैम किसको लेकर ये अभियान चलाया गया? और काफ़ी जो पुलिस का सेक्टर 13 में अक्सर देखा जाता है कि इस प्रकार की उड़दंग होती है, लेकिन पहले ही जो पुलिस असचेत है। देखो, त्यौहार के मद्देनज़र रखते हुए यहाँ ये कलड़ा मार्केट में बच्चे बाहर बहुत दूर दूर से आते हैं और यहाँ के उड़दंगबाजी मचाते हैं, और हमारा इस तरफ विशेष ध्यान है ताकि भाई इस तरह त्यौहार पे कोई भी त्यौहार को भंग ना करना पाए और कोई भी बच्चा उड़दंगबाजी ना करना पाए, क्योंकि बहुत सी गाड़ियों में भी ब्लैक फिल्म कर्टन वगैरह लगे हुए हैं, उनको भी मद्देनज़र रखते हुए देखा जा रहा है भी किसी कोई इस तरह की अवैध चीज़ें तो नहीं है, ताकि बच्चे कोई शरारत ना कर सके। तो छोटे छोटे बच्चे अक्सर देखे जा रहे हैं कि एक्टिवाओं पर उड़दंगबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, ये स्कूल के बच्चे हैं, अभी इनको वार्निंग देके छोड़ा जा रहा है ताकि आइंदा ऐसी गलती ना करे, अभी इनको वार्निंग दी जा रही है। आगे भी इस प्रकार से चलेगा? हाँ जी, आगे भी इसी तरह से देखा जाता है। कल के दिन भी काफी उड़दंगबाजी, लोग साइलेंसर उतार कर उनसे क्या अपील करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स हैं जिनके वो उनको समझाते, हालांकि पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं उनको लेकर। देखो, मैं उन पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट आप लोगों के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें इस दिन, ऐसा ना हो कि कोई भी मान ले शराब पी के या किसी तरह की उड़दंगबाजी करे या अपने आपको ही नुकसान पहुँचा ले या किसी दूसरे को ही नुकसान पहुँचा दे, ताकि कल देखो फाग हमारा सबसे हिंदू धर्म में सबसे मेन माना गया है, लेकिन इस त्यौहार को त्यौहार की तरह रंगों से मनाएं, फूलों से खेलें, इस तरह के किसी भी मान लो जो बच्चे किसी को नुकसान पहुंचाए उस तरह से बचें प्लीज़। तो आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, जो ब्लैक फिल्म है, हालांकि जो कर्टन्स हैं उनको भी उतारा जा रहा है, हालांकि समझाया जा रहा है लोगों को फिलहाल कोई चलानिंग इस प्रकार की नहीं की जा रही है। आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं गाड़ियों को रोका जा रहा है, हालांकि कोई इस प्रकार की चलानिंग नहीं की जा रही, लेकिन समझाया जरूर जा रहा है कि आप कर्टन ना लगाए, अगर ब्लैक फिल्म आपने लगा रखी है उस फिल्म को भी उतारते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार करनाल पे न्यूज़ पहले भी इस प्रकार से लोगों से भी अपील करता हुआ आया कि इस प्रकार से जो उड़दंगबाजी पर जरूर रोक लगाई जाए, क्योंकि सेक्टर 13 के खुद निवासियों की तरफ से करनाल पुलिस को जानकारी दी गई थी कि इस प्रकार की उड़दंगबाजी हर साल यहां पर देखी जाती है। उसी के मद्देनज़र खुद सेक्टर 13 चौकी की इंचार्ज मैडम खुद सड़कों पर उतरी हैं और आज से ही यह अभियान शुरू कर दिया गया, और कल भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कल भी इसी प्रकार से अभियान रहेगा, जो भी गाड़ियाँ जिन पर ब्लैक फिल्म या कर्टन लगे हैं उनके खिलाफ कल सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आज गाड़ियों को रोका जा रहा है, उनकी ब्लैक फिल्म है उनको उतारा जा रहा है, कर्टन को उतारा जा रहा है और उन्हें समझा कर एक चेतावनी देकर छोड़ा जा रहा है, क्योंकि खुद सेक्टर 13 के लोगों की तरफ से ही करनाल पुलिस को जानकारी दी गई थी कि इस प्रकार की उड़दंगबाजी यहां पर देखने को मिलती है, और खास तौर पर होली के दिनों में इस प्रकार की उड़दंगबाजी, लोग साइलेंसर उतार कर बाइकों के इस प्रकार से यहाँ पर जो उड़दंगबाजी करते हैं उसी को लेकर जो पुलिस है वो सख्त होती हुई नजर आ रही है। और मैम क्या कहेंगे, जिस प्रकार से जो कई बार देखा जाता है कि होली फाग के दिनों कोई चोटी लोकल ट्रामा सेंटर पहुंचे उसके बाद परिवार के सिर्फ पछताने के लिए कुछ रहता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं साइलेंसर उतारते और उड़दंगबाजी करते हैं। हाँ, बहुत से बच्चे जो आज की यंग जनरेशन है वो इस तरफ ज़्यादा ही आकर्षित हो रही है, उनको पता नहीं इसमें क्या दिखाई देता। मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगी, जो भी बच्चे आजकल सभी माँ बाप का एक एक दो दो संतान है, बहुत से बच्चे मानते नहीं अपने माँ बाप का कहना, मैं उन्हीं बच्चों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बच्चे कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें बाद में आपके परिवार को ही हानि हो और आप लोगों को भी उसके लिए पछताना पड़े। आम लोगों को भी काफ़ी दिक्कत होती है, मान लो कोई बुजुर्ग है उसके पीछे हॉर्न बजाते हैं, कोई लड़कियां उनके पीछे हॉर्न बजाते हैं, कहीं उससे हादसे जरूर होते हैं। हाँ, अभी हमारे पास शिकायत गई थी कि कुछ स्कूली बच्चे हैं जो आने वाले जाने वाली लड़कियों पे पानी के गुब्बारे मार रहे हैं, जो सूचना पाकर भी हम मौके पर पहुंचे हैं,
अभी उन बच्चों को भी समझा, एक वार्निंग दे के छोड़ा गया, अभी बच्चे ऐसी कोई गलती ना करें जिससे आपके माँ बाप को भी तकलीफ हो, आप ऐसा कोई काम ना करें यहाँ। और उस सेक्टर 13 वासियों की भी ये शिकायत थी कि हर साल मैम यहाँ बहुत झगड़े होते हैं, शराब पी के गाड़ियाँ चलाते हैं, बच्चे यंग बच्चे हैं, तो उन बच्चों के तरफ भी एक वार्निंग दे के आज तो छोड़ा जाए, अगर कल हमें इस तरह की कोई भी हरकत मिली तो हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं अगर करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से करनाल पुलिस भी यही कहती हुई नजर आ रही है, आज वार्निंग देकर आपको छोड़ा जा रहा है, लेकिन अगर कल बाजी कुछ भी करते हैं तो आपकी जाएगी, क्योंकि जो सेक्टर 13 के निवासी हैं उनकी तरफ से जो शिकायत करनाल पुलिस को दी गई थी कि हर साल जो फाग के दिनों पर, होली के दिनों पर इस प्रकार की उड़दंगबाजी यहाँ पर देखने को मिलती है, और आज भी एक जानकारी मिली थी कि जो बच्चे हैं लड़कियों के ऊपर जो गुब्बारे फेंक रहे, उसके बाद करनाल पुलिस ने जो यहाँ पर नाका लगाया, और उसके बाद जो गाड़ियाँ उनकी चेकिंग यहाँ पर लगातार की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि करनाल पुलिस का चेकिंग अभियान जो चलाया जा रहा है होली पर उड़दंगबाजी ना, उसी को लेकर ब्लैक फिल्मों को लेकर जो करनाल के सेक्टर 13 में जो सेक्टर 13 के लोगों की तरफ से करनाल पुलिस को कंप्लेंट की गई थी कि यहाँ पर जो उड़दंगबाजी होती है, और उसके बाद जो करनाल पुलिस जरूर सख्ते में आई है और जो गाड़ियों पर ब्लैक फिल्म है या कर्टन है उनको उतरवाया यहाँ पर जा रहा है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि जो करनाल पुलिस ने सेक्टर 13 की मेन रोड पर जो नाका लगाया और जो आने वाले उड़दंगबाजी है इस प्रकार के कोई बाइक चालक है उनको समझाया जा रहा है। हालांकि आज कोई किसी प्रकार का चालान यहाँ पर नहीं किया जा रहा, लेकिन जो वार्निंग ज़रूर दी जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से करनाल के सेक्टर 13 वासियों की तरफ से ही जो कंप्लेंट दी गई थी, जिसके बाद जो लगातार गाड़ियों की फिल्मों पर जो हालांकि जो कर्टन है उन पर चेतावनी देकर फिलहाल गाड़ियों को जरूर छोड़ा जा रहा है, लेकिन कल अगर कोई इस प्रकार की उड़दंगबाजी करता तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।